झारखंड के धनबाद जिले में बैंक मोड़ थाना क्षेत्र में एक मारुति कार में सवार 3 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। आपको बता दें, कार में सवार व्यक्ति के पास से 5 किलो चांदी और 1,00,000 रुपए की नकदी बरामद की गई है। बताया जा रहा है कि रविवार की रात एक मारुति कार तेज रफ्तार से धनबाद रेलवे स्टेशन की ओर जा रही थी। इसी दौरान बैंक मोड़ पर टाइगर मोबाइल जवान को संदेह होने पर उक्त कार को रुकवाने का इशारा किया गया, जिसके बाद कार चालक और भी तेजी गाड़ी से चलाने लगा और कार लेकर फरार होने का प्रयास करने लगा। इसी दौरान कार सड़क के डिवाइडर से टकरा गई। इससे पीछा करते पुलिस कर्मियों को मौका मिल गया और कार में सवार 3 व्यक्तियों को दबोच लिया। कार की तलाशी लेने पर 50 किलो चांदी और 1,00,000 रुपए नकदी बरामद की गई है। पुलिस ने हिरासत में लेकर तीनों व्यक्ति और कार को बैंक मोड़ थाना पहुंचाया, जहां तीनों व्यक्ति से पूछताछ की जा रही है। बताया जा रहा है कि दीपावली के त्योहार को देखते हुए पुलिस जेवर के अवैध कारोबार को रोकने के लिए तस्करों पर बारीक नजर रखी हुई है। HBN न्यूज की खास रिपोर्ट।